कोफ्ते के लिए हमने ले लिया है एक मीडियम साइज की लौकी, जिसको हमने हल्का सा बॉईल किया है 6 to 5 मिनट, और इसको अच्छे से छान लिया है, सारा पानी इसका हमने निकाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग बेसन, थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बिल्कुल छोटे स्पून से, हाफ स्पून। एक छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, टेस्ट अनुसार इसमें नमक डालेंगे। सभी मसालों को मिक्स कर लिया है, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है सभी मसाले। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना के कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं, तो इस तरह हाथ से तेल गरम हो गया। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, डालेंगे प्याज का पेस्ट, इसे भूनना है इसे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज अच्छे से भून जाए इसलिए हमने डाला है थोड़ा सा नमक। प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन, अब इसमें डालेंगे टमाटर, जो प्यूरी हमने बनाई, इसको भूनेंगे। मसाले की इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। मसाले को हमने पहले से पानी में सोख करके रखा था। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें ऑयल बाहर नहीं आ जाए। मसाले पक चुके हैं, मसालों से तेल बाहर आ रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, 2 मलाई, 2 दूध की मलाई है, आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई से इसका कलर बहुत अच्छा निकल के आया है।
मसालों को 5 मिनट पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मिलते हैं, हमारे पक चुके हैं। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसको 5 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। हमारी ग्रेवी पक के रेडी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम फ्राई किए हुए कोफ्ते। डाल देंगे नमक। अब कोफ्ते हो गए हैं रेडी। इसका फ्लेवर निखर के आया है। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद इसको 5 मिनट पकाना है और ग्रेवी थोड़ा पतली रखनी है क्योंकि कोफ्ते उसमें जब पड़ेंगे तो वो ग्रेवी को सोक कर लेते हैं। कोफ्ते रेडी हो गए। मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आपको पसंद आए तो इसको बनाइए और बताइए कैसे टेस्ट लगता है।